हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो एकॉर्ड व्लॉग्स में। आज हम आपको लेके आए हैं अघोरी किले पर। यह है अघोरी किले का मुख्य द्वार। तो आपको बता दें कि यह अघोरी किला पड़ता है सोनभद्र जिले में, और आपको पता ही है कि सोनभद्र जिला प्राकृतिक दृश्य से कितना सुंदर है। इसी के बगल में यह माता जी का मंदिर है। तो चलिए हम चलते हैं देर न करते हुए गेट के अंदर, क्योंकि हम वीडियो की शुरुआत करेंगे रानी मंजरी के मंडप से। रानी मंजरी का मंडप इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस मंडप में 1111 लोगों को जान से मारा गया था। तो ये है मुख्य द्वार का ऊपर का छत। तो अब हम देर न करते हुए चलते हैं रानी मंजरी के मंडप से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो मंडप, ऐसा कहा जाता है गांव वालों के द्वारा, कि वो मंडप काफ़ी भूतों से भरा है, मतलब काफ़ी डरावना है। तो देखते हैं कितना डर फील होता है। वैसे अभी तो हम इस किले में अकेले हैं। ये जो किला है ये कैमूर रेंज की पहाड़ियों पर बना है, और चारों तरफ पहाड़ी है, बीच में ये किला है। तो चलिए हम चलते हैं रानी मंजरी के मंडप में। तो हम चले हैं रानी मंजरी के मंडप में, और ये जो ईटा देख रहे हैं, ये जो दीवाल देख रहे हैं, पूरी तरह खराब हो चुका है। इसका कोई गारंटी नहीं कि कब गिर जाए, लेकिन ये जो दीवाल है कम से कम 5 फीट मोटा है, जिसके वजह से कि ये अभी भी टिका हुआ है। तो हम आ गए हैं मंडप के अंदर। ये हमें आंगन दिख रहा है। जब रानी मंजरी की शादी इसमें नहीं हुई तो इसका उपयोग सैनिक के काम के लिए यूज़ किया जाने लगा था। तो जब तक यूज़ नहीं किया गया था तब तक तो ये कि मंडप ही था, क्योंकि ये उनकी शादी के लिए ही बनाया गया था। तो ये है रानी मंजरी का मंडप। चारों तरफ डरावना, एकदम सन्नाटा। मेरे अलावा इस किले में कोई भी नहीं, केवल मैं अकेला, और चारों तरफ दीवारों पर भूत का ये चित्र बना हुआ है, सफ़ेद सफ़ेद, जो देख रहे हैं। और ये है डिज़ाइन जो कि 11वीं शताब्दी का ये डिज़ाइन है। कहीं कहीं कहा जाता है कि ये 12वीं शताब्दी का है, पर ऐसा नहीं, ये 11वीं शताब्दी में ये किला बन के तैयार हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इस दरवाजे के अंदर, ये जो दो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, इसके नीचे एक रास्ता है नीचे जाने के लिए। इसमें वो कम से कम 5 मंजिला नीचे तक आपको लेके जाएगा। बहुत डरावना है। वैसे आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको एहसास होगा, और आपसे एक बहुत रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे कभी भी शाम के समय मत आइए, क्योंकि अगर शाम के समय आप अकेले आ गए ना तो आप बाहर जाएंगे तो आपको हार्ट अटैक ही आएगा अंदर। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि इसका देखभाल कोई भी नहीं कर रहा है, जिसके वजह से ये पूरी तरह ढह रहा है, गिर रहा है। इसकी सारी कलाकारियाँ काले पड़ जा रही हैं और ख़राब होती जा रही हैं। भारत का जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो भी इसका संरक्षण नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये किला पूरी तरह ढहता जा रहा है। सारी दीवारों पर इस तरह भूत के चित्र बने हुए हैं। इसका यूं ही मतलब नहीं कि भूत के चित्र बना दिए गए, इसलिए बनाए गए कि यहाँ पे जब भी आइए तो आप अलर्ट रहिए, क्योंकि ये काफ़ी डरावना है। और वास्तव में डरावना है, क्योंकि यहीं पर 1111 लोगों को जान से मारा गया था, और 33 दासियों को जमीन के अंदर दफना दिया गया था। हमें नहीं पता कि हम कौन से दासी के शव के ऊपर खड़े हैं, बहुत डर लग रहा है। अभी भी आप अकेले यहाँ पे नहीं आइएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं बाहर, आपको किले के अंदर लेके चलते हैं। वैसे इस किले से बहुत सी ऐसी रहस्यमयी घटनाएं हैं जो इस किले में आपको नज़र आएंगी, और इसकी बहुत सी अनसुनी कहानियां हैं जो कि सुनने में बड़ा अजीब लगेंगी, पर वो कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि इतिहास में हमें इनके बारे में कुछ भी पढ़ाया नहीं गया। हम मुग़ल पढ़ें, कुछ अपने महाराणा प्रताप को पढ़े, कुछ शिवाजी को पढ़े, मुगल को तो बहुत अच्छे से पढ़े, लेकिन इन सब किलों के बारे में हमें कोई नहीं बताता। ना कभी कापियों में मिलता है, ना किताबों में। कभी कभी विकिपीडिया पे सर्च करने पे आपको पता चल जाता है। तो ये है पगडंडी का रास्ता। चारों तरफ बड़ी बड़ी घासें हैं, कहीं से भी आपको कुछ और नहीं दिखेगा घासों के अलावा। और ये किला 11वीं शताब्दी का है, और ये किला पूरी तरह हिंदू किला है। इसमें आपको इस्लामिक स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं दिखेगा। इस्लाम का बनाया हुआ कोई भी ढांचा या कोई भी कलाकृति आपको नहीं दिखेगा। यहाँ बगल में ही सोन नदी है। ये सोन नदी के किनारे ये किला बनाया गया है। इस किले में पूरे 21 युद्ध लड़े गए हैं, 21 युद्ध इस किले के अंदर। और इस किले के बाहर और विजयगढ़ साम्राज्य, जो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर ही विजयगढ़ का भी किला है, इसके बीच में बहुत सारे युद्ध हुए हैं। तो हम चल रहे हैं किले के अंदर। किले के अंदर जाने पर भी आपको हल्का सा डर लगेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा घास है, इतना ज़्यादा जंगल है, बड़ी बड़ी घासें हैं ना, कि आप होश में पड़ जाएंगे, कि मतलब क्या, कोई भी साफ सफाई नहीं।
और अगर बरसात में गलती से आ गए ना तो आपको डर लगेगा कि कहीं से कीड़ा कहीं से बिच्छू ना निकल जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक समय में बालकनी हुआ करती थी जो कि अब पूरी तरह खंडहर बन चुकी है और यहाँ से एक रास्ता नीचे भी जाता था। तो चलिए देखते हैं वो रास्ता है या वो भी खराब हो गया है। देखिए एक रास्ता नीचे जाता था जो सीधे सोन नदी में जाता था, तो नदी में जाता था, वहाँ पे रानी स्नान करती थी और यहाँ पे आती थी, खड़ी होती थी, यहीं पे बैठती थी क्योंकि ये सोन नदी का एक बहुत अच्छा सुनहरा दृश्य दिखता था। तो चलिए अब हम चलते हैं किले के अंदर, किले के अंदर चल के देखते हैं कि अंदर ऐसा क्या खास है। इस किले की नींव आपको बता दें कि वालंद शाह के वंशजों ने रखा था। ये 12वीं शताब्दी में थे, 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी दोनों के बीच में ये किले का नींव रखा गया था। वैसे बहुत ही बड़ा है, कम से कम ये 37 बीघे में ये किला बना हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं मुख्य किले के अंदर। वैसे तो अभी तक हम आंगन आंगन ही घूम रहे थे लेकिन अब चलते हैं मुख्य किले के अंदर। ये एक खंडहर स्थान है जहाँ पे रानी राजा, मतलब समय समय पे जो भी रानी राना राजा बना ये उनकी बैठने की जगह हुआ करती थी। उनकी यहाँ पे मुजरा उजरा हुआ करता था, अनारकली टाइप के लोग आते थे यहाँ पे नाचते थे, मतलब ये एक मौज मस्ती का स्थान हुआ करता था, जो भी आप कह लीजिए अपने भाषा में। तो चलिए हम चलते हैं किले के अंदर। किले के अंदर जाने से पहले आपको बता दें कि इस किले को पूरी तरह हिंदू किले के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे कहीं भी इस्लाम का कोई भी नामो निशान नहीं है। जैसे अन्य किले पे आप जाएंगे तो आपको मज़ार उजार दिखेगा, पर इस किले में आपको कहीं भी मज़ार नहीं दिखेगा, बस एक माता का मंदिर दिखेगा जहाँ पे वो झंडा आपको दिख रहा है। उनका बिना पैर छुए आप अंदर आएंगे तो मुश्किल है भाई, उनका बिना आशीर्वाद लिए आप अंदर मत आइए, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक, काफ़ी युद्ध लड़ा हुआ किला है और साथ ही साथ काफ़ी भूतों भरा किला है। ऐसे यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि एक यूट्यूबर यहाँ पे शाम के समय आया था वीडियो बनाने के लिए, और जैसे ही वो इस किले में आया, रानी मंजरी के मंडप में गया, उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसे कोई पीछे से मार रहा है। और इस कहानी में कितना सच है कितना नहीं मुझे नहीं पता, इस गांव के लोगों द्वारा ये कही गई बातें हैं। तो ये है अंदर का किला जो मुख्य किला है जहाँ पे राजा रानी विश्राम किया करते थे। ऐसे इस किले में भी कुछ खास नहीं है, पूरी तरह खंडहर बन गया, हमसे भी ऊँचे ऊँचे, हम खुद 6 फीट के, हमसे भी ऊँचा ऊँचा घास है, ये देख रहे हैं हमसे भी ऊँचा ऊँचा, क्या दिखाएं हम आपको कैमरे में, केवल चारों तरफ घास ही घास दिख रहा है। सामने ये एक बहुत सारे दरवाजों वाला एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, चलिए वहाँ पे चलते हैं देखते हैं उसके अंदर क्या है, स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। ये है सीढ़ी जो समय के अनुसार टूट गई, अगर भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसका सर्वेक्षण किया होता शायद ये सीढ़ी कभी नहीं टूटती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे झांकने तक नहीं आते। उन लोगों को पता भी नहीं होगा कि सोनभद्र जिले में एक अघोरी नाम का किला भी है। अच्छा हम आपको बता दें कि अघोरी किला इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे ऐसा कई लोगों का मत है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ के जो राजा थे ये इस किले को हमेशा अघोरते थे इसलिए नाम इसका अघोरी पड़ गया, या इसलिए कहा जाता है कि जो चंदेल वंश के एक वंशज थे जिनका नाम था अघोरी, जो इस किले को कई बार बचाए थे, ये उनके नाम पे अघोरी किला पड़ गया। वैसे कई नामों से इनको जाना जाता है, क्या सच है क्या झूठ है हमें नहीं पता, लेकिन जो विकिपीडिया पे या स्थानीय लोगों से जो ये बात सुनने को मिलती है ये उसी से हमें पता चला है कि इसका क्या क्या मतलब होता है। तो यह है पीछे सोन नदी, यहाँ पे बालू का बहुत तेज़ी से उत्खनन चल रहा है और यहाँ पे लाल बालू मिलता है, ये तो आपको पता है सोन नदी लाल बालू काफ़ी अच्छे में यहाँ पे पैदावार होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, देखने में तो बहुत छोटा छोटा कमरा लग रहा है, लग रहा है ये कोई लैट्रिन वोट्रिन का स्थान स्नाना घर रहा होगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे अंशों में ये है और ये पूरी तरह खंडहर हो गया है। जो ऊपर जो आप इस तरह का मुक्की देख रहे हैं ना, इसका बड़ा काम हुआ करता था, जो यहाँ पे भी देखिए एक नीचे भी यहाँ पे भी मुक्की है, यहाँ पे इसका बड़ा काम हुआ करता था, ये दिन के समय एक उजाला दिया करता था, हवा भी दिया करता था और दुश्मनों को देखने के लिए भी इस मुक्की का बड़ा काम हुआ करता था, यानी ये मुक्की अपने आप में एक साथ कई काम करता था, एक पंथ दो काज तीन काज चार काज कई काम करता था। तो चलिए देखते हैं गुंबद के पास क्या खास है, अगर गुंबद के पास कुछ खास नहीं होगा तो हम वीडियो को यहीं पे रोकेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फ्लोसिस पार्क के पास आपको मिलेंगे कि देखते हैं वहाँ पे क्या खास है। ऐसा कहा जाता है कि फ्लोसिस पार्क में 150 करोड़ साल पुराना एल्गी पाया गया है, तो चलिए वहाँ पे भी चलेंगे, लेकिन पहले इस वीडियो को देखते हैं कि यहाँ पे जो गुंबद है इसमें ऐसा क्या खास है, चलिए हम देखते हैं इसमें क्या खास है। पहले तो इतना ज़्यादा टूट के इसका पत्थर बिखरा हुआ है कि कुछ कहने को नहीं, कि कहीं पैर इधर उधर मुड़ गया ना
फिर यहाँ से उठा के ले जाने वाला भी मुझे कोई मिलेगा उलेगा नहीं। ये बहुत ज़्यादा पत्थर है, बहुत ज़्यादा फिसलन है, भरभरा है, पैर रखने पे ये फिसल जा रहा है। तो ये भी पूरी तरह टूट फूट के खंडहर बन चुका है, अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरी तरह बालू से मट्टी से दब चुका है। यह सीढ़ी चढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतना जर्जर है कि चढ़ते ही टूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं। तो चलिए हम बाहर चलते हैं किले के। ये रहा छू मंत्र। हम आ गए हैं किले के बाहर। किले के बाहर आपको आके एक बार फिर से किले का नजारा दिखा दे। 33 बीघा में ये किला पूरा बसा हुआ एकड़।